नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति और मैं हूं आपके साथ शुभम शुक्ला। पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल क्या बीजेपी में शामिल होंगे। इन अटकलों को अब अजय सिंह राहुल ने खुद विराम लगा दिया है। अजय सिंह राहुल ने अपने बयान में कहा है कि वो अर्जुन सिंह के पुत्र हैं, वो उनके संस्कारों से बंधे हुए हैं, वो अपने पिता के विचारधारा से बंधे हुए हैं और वो अभी हाल फिलहाल कहीं भी किसी भी पार्टी में जाने वाले नहीं है। नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि क्या अब मध्य प्रदेश में किसी विपक्षी दल के नेता से सौजन्य मुलाकात करना भी गुनाह हो गया है, क्या मैं किसी विपक्षी दल के नेता से मुलाकात भी नहीं कर सकता हूं। दरअसल नरोत्तम मिश्रा से उन्होंने पिछले दिनों मुलाकात की थी, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा अजय सिंह राहुल के जन्मदिन पर उनके घर गए थे उनको बधाई देना, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो वरिष्ठ नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय वो भी उनके घर गए थे बधाई देने, जिसके बाद से अटकलें और तेजी पकड़ ली थी कि अब शायद अजय सिंह राहुल भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा ने इसे महज अफवाह बताया था और बोला था कि ऐसा कुछ नहीं, और अब इस बात को एक बार फिर से पुष्टि कर दी है अजय सिंह राहुल ने। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि वो हाल फिलहाल कहीं नहीं जाने वाले हैं। हालांकि कोई भी नेता हो, जब तक अपनी पार्टी नहीं बदल लेता है तब तक उसका बयान यही रहता है कि वो विचारधाराओं से बंधे हुए हैं, वो फिलहाल पार्टी छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, फिर चाहे वो कोई भी रहे हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हो या कोई भी रहे हो, जब तक वो पार्टी नहीं छोड़ देते हैं तब तक वो उसूलों की विचारों की बात करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वास्तव में अपने विचारों से अपने उसूलों से अजय सिंह राहुल बंधे हुए हैं या अभी हाल फिलहाल जो इतना हंगामा मच गया था मीडिया में या उनके कांग्रेस बीजेपी में, इस कारण से उन्हें यह बयान देना पड़ा। मध्य प्रदेश की तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।